देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। देवी की भक्ति और भजन गायकी के जरिए ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले अजय पाठक और उनके परिवार का इतना खौफनाक अंजाम हो सकता है, ये जानकर पूरा शहर सिहर गया है। भजन गायक अजय अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ शामली के इसी घर में रहते थे, लेकिन 31 दिसंबर को मकान के अंदर सिर्फ खून से सनी लाशें मिली। नीचे लड़की मरी पड़ी सामने कमरे में, ऊपर भी ताले लग रहे, बाहर से भी ताला लगा के चला गया। देख कदम मारा भाई को, काट रखा हमारी मम्मी को, मार रखा, काट रखा। फिलहाल तो तीन का पता, हमारा भाई बापी और मेरी लड़की है भतीजी मेरी और मेरे छोटे से बच्चे का पता नहीं कहां है। रात के वक्त इस घर में कौन सा खूनी खेल हुआ, पूरे परिवार को किसने और क्यों इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और अजय पाठक का बेटा कहां था, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। पुलिस अभी भी हाथ पैर मार रही थी कि पानीपत टोल प्लाजा के पास एक शख्स को कार जलाते हुए पकड़ा गया। कार से 10 से 12 साल के एक लड़के की अधजली लाश बरामद हुई। पुलिस ने हिमांशु सैनी नाम के इस युवक से पूछताछ शुरू की तो अजय पाठक हत्याकांड का राज फाश हो गया। संबंध में हिमांशु सैनी नाम के एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। इसने इस पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकारा है तथा उसके पास से जो तीनों मृतक हैं, जो डिसीज्ड हैं, उनके तीनों मोबाइल फ़ोन जो वहां से मौके से गायब हुए थे उसके पास से बरामद कर लिए गए हैं, तथा जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी है वो पानीपत टोल के आगे उसने गाड़ी में आग लगा दिया था, वो गाड़ी भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। हिमांशु सैनी नाम का ये शख्स अजय पाठक के साथ सालों से काम करता था और रात में अक्सर उनके घर पर ही रुक जाया करता था, लेकिन कुछ दिनों से आर्थिक तंगी के चलते अजय पाठक से अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहा था, लेकिन अजय पाठक के इनकार करने पर रातों रात उसके सिर पर खून सवार हो गया। 30 दिसंबर की रात हिमांशु अजय पाठक के घर पर ही रुका था। आधी रात को जब सब लोग गहरी नींद में थे, उसने तलवार से पति पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वो बच्चों को कमरे में ले गया और दोनों बच्चों की भी तलवार मारकर हत्या कर दी। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए हिमांशु ने लाशों को ठिकाने लगाने का प्लान भी बनाया और बेटे की लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया, लेकिन वो बाकी लाशों का बोझ नहीं उठा पाया, इसीलिए घर पर ताला डालकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। हालांकि मैं वहीं लेटा रहा, फिर करीबन 3 बजे के बाद फिर मेरे हाथों का और मेरे शरीर का मुझे ये नहीं पता लगा मैंने किया क्या और मैंने किया। आरोपी का इरादा ये था कि वो अगले दिन घर में फिर से घुसेगा, कैश और ज्वेलरी पर इत्मीनान से हाथ साफ करेगा, लेकिन उससे पहले ही पड़ोसियों को शक हो गया और पुलिस को खबर कर दी गई। घबराकर हिमांशु ने कार समेत लड़के की लाश जलाने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में वो कानून के हत्थे चढ़ गया।